देखिए भाई, यहाँ पे ये पूरा निकल ही आया है बाहर। ना आपको नेटफ्लिक्स में HDR बिल्कुल नहीं मिलेगा भैया, तो मैं मिलता है फ्रेम स्किपिंग, देखें ये मैं पीछे जा रहा हूँ। तो भाई मोटो एज 50 प्रो की मैंने कल अनबॉक्सिंग डाली थी और आप में से काफी सारे लोग मेरे वन प्लस नॉट वाली वीडियो में भी एंड इवन इसकी अनबॉक्सिंग की भी वीडियोस में आप लोग बोल रहे थे कि नॉट सी 4 के साथ में आप कंपैरिजन लेकर के आइए। और भाई केवल यही वाला रीजन नहीं था कि ये वाला कंपैरिजन लाना जरूरी था, एक और रीजन था कि भाई इस प्राइस पॉइंट पे जो दोनों के दोनों आ रहे हैं उस पे एक बैलेंस फोन कौन सा है। देखो यहाँ पे कैमरा तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही में यहाँ पे बिल्ड भी तो इम्पोर्टेंट है एंड इवन यहाँ पे परफॉर्मेंस भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे ही फैक्टर्स को मिला करके एक बैलेंस फोन कौन सा है। साथ ही साथ में गई यहाँ पे पुराने मोटो के फोन्स में हमें यहाँ बैटरी ड्रेन के इश्यूज और हीटिंग के इश्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिले, तो क्या इसके अंदर है या नहीं है? बिकॉज अगर फोन में बैटरी नहीं रहेगी तो आप यहाँ पे इसकी फीचर्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, बार बार आपको बैटरी चार्जिंग में ही लगाना पड़ जाएगा, तो ये भी एक फैक्टर था। साथ ही में गई जब आप यहाँ पे इस प्राइस पॉइंट पे कोई फोन लेते हैं ना तो आप एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं कि हाँ थोड़ी बहुत तो गेमिंग वो करवा ही दे। तो भाई इन दोनों में से कौन सा फोन है जो कि यहाँ पे गेमिंग भी अच्छा सा करवा सकता है, तो ये सारे ही क्वेश्चन के जवाब हम लोग इसी वीडियो में लेकर के आए हैं और लाइन बाय लाइन हम लोग यहाँ पे चलेंगे। तो भाई सबसे पहले देखो यहाँ पे अगर मैं यूआई की बात कर लूं तो मोटो ने एक नया यूआई इंट्रोड्यूस किया है, इसका नाम दिया है हेलो यूआई। जो इससे पहले मोटो के यूआई आते थे उसमें एक भी ब्लोटवेयर नहीं मिलता था, लेकिन इसके अंदर दो ब्लोटवेयर दे दिए थे, एक था फेसबुक दूसरा था लिंक्डइन, लेकिन इतना बड़ा इशू नहीं था, आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन भाई मेरा पर्सनली एक ऐसा मानना है कि मोटो के फोन में आपको प्योर एंड्रॉइड एक्सपीरियंस टाइप का तो एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन फिर भी इसमें ब्लोटवेयर आते हैं। भाई यहाँ पे मोटो की खुद की बहुत सारी एप्लीकेशन है जो कि यहाँ पे रहती है जिनको आप अनइंस्टॉल कर नहीं सकते, और इसी की वजह से भाई मेरे को लगता है कि वो भी काफी हद तक की स्पेस खाता है किसी भी एंड्रॉइड सिस्टम में। तो वो तो एक है ही है, लेकिन वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे कि आप उसको ब्लोटवेयर मानते हो कि नहीं। वैसे ही अगर आप वन प्लस की बात कर ले तो वन प्लस का जो यूआई है, देखो मैं मानता हूं कि यहां पे ऑक्सीजन ओएस बहुत चेंज हो चुका है, जैसे यहां पे कलर ओएस है वैसा ही है, लेकिन अब भी भाई मैं मानता हूं कि ये भी काफी अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज है। इसमें देखो भाई ब्लोटवेयर तो थोड़े बहुत आपको देखने को मिलते हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं, पर यहां पे वैसी एप्लीकेशंस जैसे कि मोटो में मिलती हैं जिनको अनइंस्टॉल नहीं किया जा सकता है वो भाई कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम है। और साथ ही में भाई एक बात और है, यहाँ पे वन प्लस और मोटो दोनों ही कस्टमाइजेशंस में बहुत ही भर भर के ऑप्शंस देते हैं। और हाँ इस बार भाई मोटो ने कर दिया है कमाल, यहाँ पे 3 साल के एंड्रॉइड और 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट का प्रॉमिस कर दिया है। और वैसे मैं बताऊं तो यहाँ पे रेगुलर अपडेट्स आप एक्सपेक्ट करते नहीं है सिक्योरिटी पैच के, पर हाँ यहाँ पे क्योंकि एंड्रॉइड अपडेट 3 साल के बोल दिए तो एंड्रॉइड 14 पे लॉन्च हुआ है तो 15, 16, 17 तो आपको मिल ही जाएगा, तो ये एक अच्छी बात है। वहीं वन प्लस की बात करी जाए तो 2 साल के एंड्रॉइड अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स के प्रॉमिस किए गए, इसमें कंपैरेटिवली इससे ज्यादा बेहतर तरीके से अपडेट्स आते हैं। इसी के साथ अगर हम डिस्प्ले की बात कर ले तो मोटो के अंदर आपको 1.5K की रिजोल्यूशन में 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले देखने को मिलती है जो ज्यादा वाइब्रेंट लगती है, ज्यादा क्रिस्पर भी लगती है। वहीं पे OnePlus के अंदर आपको यहां पे फुल HD प्लस की डिस्प्ले मिलती है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में। इसमें यहां पे कर्व्ड वाला पैनल देखने को ना मिलता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, लेकिन गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, सारी चीजें अच्छी हैं लेकिन आपको Netflix में HDR बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसमें Netflix में HDR कंटेंट आप व्यू कर सकते हैं। और साथ ही साथ में गाइस हमने यहां देखा है दोनों में ही वाइडबैंड L1 का तो सर्टिफिकेशन है ही है, लेकिन यहां पे YouTube के अंदर जब आप 4K में HDR में वीडियो को प्ले करेंगे तो दोनों ही फोन यहां पे स्टटर या लैग करते हैं, फ्रेम को स्किप करते हैं, तो वो चीज एक तो है ही है। यहां पे अभी थोड़ा सा अपडेट वगैरह आएंगे तो क्या पता उसमें थोड़ा सा ठीक हो जाए, पर अभी जो चीजें थी वो मैंने आपको बताई। और इसी के बाद अगर हम यहां पे बैग की बात कर ले तो भाई देखो यहां पे मोटो के अंदर इन्होंने यहां पे लेदर फिनिश का बैग इस्तेमाल किया है, दिखने में बहुत ज्यादा प्रीमियम लगता है। वन प्लस भी भाई कोई खराब नहीं लगता है, ये भी अच्छा लगता है, पर यहां पे प्लास्टिक है, ग्लॉसी बैग है, यहां पे स्मजेस बिल्कुल नहीं पड़ते हैं, ये एक अच्छी बात है। और अभी तक की तो मेरे वन प्लस में कोई स्क्रैच आया नहीं है बैक वाले पैनल में, हालांकि फ्रेम्स में प्लास्टिक का है ये इसका फ्रेम, तो फ्रेम में स्क्रैच मेरे पड़ गए हैं, थोड़ा बहुत गिर गया था बी रोल वगैरह लेने में तो उसी में यहाँ स्क्रैच पड़े। वहीं पे मोटो में देखेंगे तो यहाँ पे मेटल का फ्रेम है, और साथ ही में हमने यहाँ देखा है कि इसके अंदर IR ब्लास्टर है, इसमें IR ब्लास्टर नहीं है। और अगर मैं इस दोनों की स्पीकर की बात कर लूं तो यहाँ पे मोटो में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है और इसमें भी स्टीरियो स्पीकर ही मिलता है, लेकिन गाइस मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे डेडिकेटेड यानी कि वन प्लस में डेडिकेटेड स्पीकर है डुअल वाले स्पीकर, लेकिन वन प्लस में डेडिकेटेड डुअल स्पीकर नहीं है। और हमने दोनों की साउंड यहाँ पे सुनी है, दोनों की साउंड काफी ज्यादा अच्छी आती है, लेकिन मुझे ज्यादा लाउडर ज्यादा क्रिस्पर साउंड मुझे वन प्लस की लगी है कंपैरेटिवली मोटो से। लेकिन भाई मोटो में एक चीज और है कि जब आप फुल साउंड पे कोई भी म्यूजिक सुनेंगे ना तो मोटो में यहां पे आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा वाइब्रेशन, हालांकि इसमें भी मिलता है पर इसमें कंपैरेटिवली मोटो से कम मिलता है। मोटो एक्चुअली में बहुत ज्यादा पतला भी है ना इसी की वजह से, और साथ ही में क्योंकि 4500 mAh की बैटरी है और इतना मतलब ज्यादा 1.5K की रिजोल्यूशन है डिस्प्ले की और साथ में 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट पे, तो यहां पे ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है मोटो कंपैरेटिवली वन प्लस से, जो कि 5500 mAh की बैटरी आती है
अगर आप बैटरी लाइफ को लेकर के थोड़े से भी डाउटफुल है ना, तो वन प्लस के साथ में आप जाइएगा भाई। मोटो में बैटरी ड्रेन के इश्यूज हैं, साथ ही में हीटिंग के भी हैं थोड़े बहुत। साथ ही साथ में गई अभी, आप देखिए भाई यहाँ पे थोड़ा सा चार्जिंग में लगा के मैं गया था, ये पूरा निकल ही आया है बाहर, मतलब केवल हीट की वजह से ये ऐसा ऐसा इशू हो रहा है भाई इसमें। ठीक है, तो ये भी देख आप लेना भाई, ये सब प्रॉब्लम आ रही है, हीटिंग का इश्यूज अभी से ही सामने आने लगा है मोटो के। साथ ही मैं बता दूं, इसके अंदर IP68 की रेटिंग मिलती है, इसमें IP54 की रेटिंग मिलती है, और इसके अंदर बेस वाला वेरिएंट उसके अंदर 68 वॉट का चार्जर मिलता है। जो आप इससे बड़े वाले वेरिएंट में जाएंगे तो उसमें 125 वॉट का चार्जर मिल जाएगा इन द बॉक्स। हालांकि जो बेस वाला वेरिएंट है वो भी 125 वॉट के चार्जर को सपोर्ट करता है, वहीं पे वन प्लस में 100 वॉट का चार्जर ही मिलता है आपको, वो भी इन द बॉक्स ही मिलता है। और वायरलेस चार्जिंग 50 वॉट की है, और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे 10 वॉट की देखने को मिलती है, इसमें कोई वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं दिया हुआ है। साथ ही साथ में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में ही स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 वाला प्रोसेसर आता है, और ये दोनों ही प्रोसेसर ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप की परफॉर्मेंस देते हैं दोनों ही फोनों में। परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस है मैं वो आपको बताता हूं साफ। देखो भैया, एंटीटू बेंचमार्क देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, अगर आप यहां पे देखेंगे इनका गीक बेंचमार्क वो भी सिमिलर है, सीपीयू थ्रॉटलिंग देखेंगे वो भी सिमिलर है, बस यहाँ पे डिफरेंस आता है इसमें UFS 2.2 मिलती है, इसमें UFS 3.1 मिलती है। और शुरुआत में जब नया नया फोन ही आया था तब मैंने देखा था, तो इसका स्टोरेज की रिटर्न राइट स्पीड ऑलमोस्ट सिमिलर आ रही थी UFS 3.1 की, पर यहाँ पे थोड़ा सा यूज करने के बाद में अभी इसकी थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, पर कभी कभी यहाँ पे बढ़ भी जाती है, तो समझ में नहीं आता कि भाई UFS 2.2 इतना फास्टर कैसे कि UFS 3.1 के बराबर में स्कोर लेकर के आ रहा है। तो हमने क्या किया कि हमने कहा कि चलो इसका एक यहाँ पे लाइव एग्जांपल कर लेते हैं, एक एप्लीकेशन को डाउनलोड ही कर हम लेते हैं दोनों में ही सिमिलर वाईफाई इंटरनेट स्पीड पे ही। तो मैंने देखा कि डाउनलोडिंग में उसके अंदर मैंने देखा कि हर बार यहाँ पे वन प्लस ज़्यादा फास्टर डाउनलोड कर रहा था कंपेरेटिवली मोटो से, तो वहाँ समझ में आता है कि UFS 3.1 इन रियलिटी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेगा वन प्लस के अंदर। और ना ही सिर्फ ये भाई, मैंने जब ऐप ओपनिंग स्पीड टेस्ट वगैरह किया ना, तो ऐप ओपनिंग में मैंने देखा है दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस देते हैं, मुझे कोई डिफरेंस लगा ही नहीं। बस एक चीज़ का ध्यान था मेरे को ना, लगा कि भाई जो रैम मैनेजमेंट है ना, मुझे लगा कि मोटो उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, पर रैम मैनेजमेंट में मोटो ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया कंपेरेटिवली वन प्लस से। हालांकि इसका ना परफॉर्मेंस में ज़्यादा कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, और मैंने देखो दोनों में ही मैंने BGMI भी खेल करके देखा है, दोनों में ही HDR में एक्सट्रीम का ग्राफिक सपोर्ट देखने को मिलता है, और BGMI की परफॉर्मेंस में मैंने देखा कि दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर सी परफॉर्मेंस दे रहे थे। कुछ लोगों ने बोला है कि मोटो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता, पर मैंने देखा है कि भाई मोटो भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, HDR में 60 FPS ये प्ले कर पा रहा था, जो कि बहुत अमेजिंग था मेरे लिए भाई। तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम देखने को मिली ही नहीं है मोटो में परफॉर्मेंस को लेकर के। और परफॉर्मेंस में जो प्रॉब्लम देखने को मिली है मैं आपको बताऊं, वो है शटर स्पीड की। यहां पे कैमरा ऐप इसका बहुत ज्यादा लैगी है, और थोड़े बहुत यहां पे ऐप जब आप ओपन कर लेते हो ना, तो मल्टीपल टाइम जब आप उसको ओपन बंद करते हो, तो थोड़ा बहुत यहां पे स्टटर लैग लगता है मुझे UI में वो, और यहाँ पे जो कैमरा के एप्लीकेशन में लैग है। उसके अलावा मुझे रियल लाइफ परफॉर्मेंस में कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखने को नहीं मुझे मिली है, और वहीं पे वन प्लस इस चीज में थोड़ा सा स्मूदर है कंपेरेटिवली मोटो से। बस यही एक नया डिफरेंस है परफॉर्मेंस के मामले की मैं अगर बात कर रहा हूं तो। और इसी के बाद अगर मैं कैमरा की बात कर ही रहा हूं, तो देखो भाई यहां पे कैमरा में जब आप यहां पे दबाते हैं कैमरा को ना, खासकर पोर्ट्रेट में अगर आप जाएंगे कैमरा के शटर बटन को दबाएंगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई बहुत लेट में प्रोसेसिंग भी करता है, और वो बटन दबता भी। अगर आपको जल्दी जल्दी फोटोज लेनी हो ना, तो बिल्कुल भाई पॉसिबल नहीं है इससे कंपैरेटिवली, इस ये थोड़ा सा फास्टर है। दोनों ही फोन के कैमरा की अगर बात बता दो, तो इसमें 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है, सैमसंग का ओमनी विजन का सेंसर है, इसमें सोनी LYT 600 वाला सेंसर है, जो कि अगेन काफी ज्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली सैमसंग के सेंसर से। यहाँ पे आपको अदर सेंसर भी मिलते हैं मोटो के अंदर। तो भाई सबसे पहले तो भाई यहाँ पे आपको 10 मेगापिक्सल का 3x ऑप्टिकल जूम वाला सेंसर देखने को मिलता है, जो कि पोर्ट्रेट शॉट में काफी अच्छी आपकी मदद करेगा, और साथ ही में यहाँ पे अल्ट्रा वाइड 13 मेगापिक्सल है, और इसमें अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का है, जो कि सोनी का ही है। इसमें जो अल्ट्रा वाइड है वो भाई हाइनेक्स का सेंसर है। अगर मैं बात करूं फ्रंट की, तो इसके अंदर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का, इसमें मिलता है 50 मेगापिक्सल का। दोनों ही सेंसर की बात करो तो भाई देखो, क्योंकि यहां पे टेलीफोटो लेंस है, तो यहां पे ज्यादा बेटर आपको पोर्ट्रेट शॉट में ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि मिनिमम 24mm से लेकर 85mm तक ही जाता है। और भाई देखो 85mm में थोड़ा सा इशू है, वो क्या है मैं अभी आपको आगे चल करके बताता हूं। तो भाई कैमरे में ही सबसे पहले हम लोग यहां पे देख हम लेते हैं कि दोनों ही फोन बैक कैमरा से कैसा परफॉर्म कर रहे हैं वीडियो में, देखिए। तो भाइयों बहनों, सबसे पहले एक देख लीजिए मोटो का मार्क, यहाँ भैया मोटो में देख मिलता है फ्रेम स्किपिंग, देखें ये मैं पीछे जब जा रहा हूँ, यहाँ पे कई सारे स्टेप्स होंगे जो कि वो काउंट ही नहीं करेगा, वो सीधे ही कहीं और ही जा देगा। तो यहाँ पे ये फ्रेम की जो स्किपिंग है ना, 4K की रिकॉर्डिंग भी देखने को मिलती है। जब मोटो हो जाता है गर्म, जब गर्म होता है ना, तभी इसका दिमाग भी खराब होता है और यहाँ पे फ्रेम्स स्किप करता है, लेकिन जब यहाँ पे ठंडा तो कैसा परफॉर्मेंस देता है वो भी देखने वाला है ना। तो चलिए उस तरफ चलते हैं, पर यहाँ पे प्रॉब्लम तो है हीटिंग वाली जो मैंने आपको बोली थी। तो फिर
तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ना मोटो के अंदर HDR10 में भी वीडियोस कैप्चर कर सकते हैं 4K 30fps में, और वहीं पे आप देख जा सकते हैं कि वन प्लस केवल 4K नॉर्मल 30fps में ही वीडियो को रिकॉर्ड करता है। और अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा व्यू भी आप लोगों को दिखाता हूँ कि देखो यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट मेरे चेहरे पे आ रही है, और डायरेक्ट सनलाइट जब आती है ना तो यहाँ पे कैसा रहता है। अब मैं कैमरामैन से बोलूंगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ उतर जाए ताकि बैकग्राउंड में सन यहाँ पे दिखाई देगा मेरे, और वो देखने में समझ में आएगा कि एक्चुअल में यहाँ पे अभी जब पीछे यहाँ पे सन होता है तो यहाँ पे कैसा ये मेरे स्किन टोन को ये मैनेज करता है, या फिर मेरे जो स्किन मेरा चेहरा है उसको ना प्रॉपरली बैलेंस कर पा रहा है कि नहीं। और साथ ही साथ में गाइस, साथ ही साथ में यहाँ पे आप HDR 10 4K में आप मोटो के अंदर 2x 3x इन सब में जा सकते हैं, और वही भाई वन प्लस में भी आप यहाँ पे मैनुअली यहाँ पे आप ड्रैग करके आप धीरे धीरे जूम इन आप कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ में मैं अभी आपको शिफ्ट करके दिखा रहा हूँ HDR 10 जब ऑफ करेंगे मोटो के अंदर, तो भाई जैसे ही आप यहाँ पे HDR 10 ऑफ करेंगे ना मोटो के अंदर तो उसमें एक ऑप्शन आता है। कौन सा ऑप्शन आता है उसको दिखाने के लिए कैमरा मैन से बोलेंगे आ जाओ भाई ऊपर, और यहाँ पे ऊपर आते आते जरा यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड मोड में जरा शिफ्ट आप हो जाओ। ये यहाँ पे 4K वीडियो रिकॉर्डिंग ही चल रही है, बस यहाँ पे HDR 10 नहीं है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा सा कैमरा मैन से बोलेंगे जल्दी जल्दी आओ भाई, इतना लग रहा है मेरे कैमरा मैन ने आज कुछ खाना वाना नहीं खाया, व्रत वगैरह है ना इसलिए। तो फिलहाल के लिए भी आप देखिए यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में कैसा है, और अल्ट्रा वाइड में करते करते रुक जाओ, HDR 10 नहीं है इसके अंदर और ये अल्ट्रा वाइड है। अल्ट्रा वाइड के बाद में अभी मैं बोलूंगा कि 2x में शिफ्ट करें, 2x के बाद 3x में करें। 3x में यहाँ पे ऑडियो जूम का भी ऑप्शन देखने को ना मिलता है, और साथ ही में अब यहाँ पे डायरेक्टली जब हम यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में जाएंगे तो देखिए क्या बेहतरीन यहाँ पे लगता है। क्या अभी अल्ट्रा वाइड में कैमरामैन फिलहाल ले अभी आप ये चीज देखिए कि भाई यहाँ पे इसका EIS या फिर OIS कैसा आता है इनका, इसमें यहाँ पे एक अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन का मोड भी मिलता है। देखते हैं कि दोनों में से किसमें 4K में ज्यादा बेटर स्टेबलाइज वीडियो आती है। कमॉन आ जाओ कैमरामैन से दौड़ा नहीं जा रहा, एकदम पसीना पसीना हो चुका है, पता नहीं क्या ही करेगा। और अभी तो ये तो एक शुरुआत है, अभी तो इस बहुत सारी कैमरा सैंपल्स है जो कि मुझे आपको दिखाने हैं। तो चलिए सीधे बाकी कैमरा सैंपल्स की तरफ चलते हैं बैक वाले कैमरा के। साथ ही में गई जो अल्ट्रा वाइड वाला जो ना मोड था ना वन प्लस के अंदर यहाँ पे 1080p के ही रिजोल्यूशन में आता है, वो 4K में आता नहीं। तो अभी देखिए अभी अल्ट्रा वाइड है, वापस से शिफ्ट करते हो 1x में, कैमरामैन नहीं 1x में शिफ्ट करने का ऑप्शन नहीं है, आप वीडियो को रिकॉर्ड करते करते नहीं आप कर पाएंगे। लेकिन ये चीज़ भाई मोटो करता है और कैपेबल है करने में वीडियो को रिकॉर्ड करते करते, उसके लिए एक बार आपको वीडियो ऑफ करनी पड़ेगी भाई, दोबारा से 1x में आना पड़ेगा, दोबारा से रिकॉर्डिंग ऑन करनी पड़ेगी तब जाके होगा। तो भाई ये कुछ लिमिटेशंस आती है वन प्लस के अंदर, वहीं मोटो में ये सब नहीं आता है। इसी के बाद जरा फ्रंट सेल्फी की भी वीडियो हम लोग देख ही लेते हैं, उसके बाद हम लोग फोटोज पे चलेंगे। तो फिर गाइस यहां पे आप देख दे सकते हैं कि ये है फ्रंट सेल्फी कैमरा इनका, और ये फ्रंट सेल्फी कैमरा आप देख सकते हैं कि कैसा रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि जो मोटो है ना, मोटो यहाँ पे 4K में वीडियो रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज रखता है, वहीं पे वन प्लस सिर्फ और सिर्फ 1080p के रिजोल्यूशन में रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटीज रख रहा है। ठीक है, अभी के लिए तो ऐसा है, देखिए डायरेक्टली यहाँ पे सनलाइट आ रही है मेरे चेहरे पे, और अगर अगेंस्ट द सन दिखाऊं तो देखो पीछे की साइड में सन है, आप देख लें कौन सा ज़्यादा बेटर तरीके से एडजस्ट कर रहा है। इसी के बाद में थोड़ा सा चल के दिखाते हैं, आ जाऊँ तो यहाँ पे थोड़ा सा रनिंग करके आपको दिखाते हैं इसकी स्टेबलाइजेशन कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। आप बताइए यार किस में से इनमें से किसकी वीडियो क्वालिटी आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रही है, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो भाई जैसे ही आप लोग कंफ्यूज थे ना इन दोनों फ़ोन के बीच में, वैसे हम भी भाई कंफ्यूज हैं। क्या आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं? अगर पसंद कर रहे हैं तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, लाइक देना भूलिएगा नहीं, और साथ ही में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। और कोई भी डाउट्स हो ना इस वीडियो के बाद में भी तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो से पहले भी तो भी कमेंट करिए, मैं सबका जवाब दूंगा इसी वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा ज़रूर। भाई यहाँ पे नॉर्मल जो फोटोज़ आती है दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छी फोटोज़ को कैप्चर करते हैं, और यहाँ पे हल्का सा वार्मर टोन रखता है मोटो, और भाई थोड़ा सा कूलर टोन की तरफ जाता है वन प्लस। और अगर मैं दोनों ही फ़ोनों की डिटेल की बात करूँ तो दोनों ही काफ़ी अच्छी डिटेल रखते हैं, HDR वगैरह भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। लेकिन मैंने एक सिचुएशन में ही केवल ऐसा पाया है जिसमें दोनों ही फ़ोन ने यहाँ पे प्रॉब्लम दे दिया HDR को के नया मैनेजमेंट में, और उसी
सिचुएशन में मैंने दोबारा फोटो खींची पर वो दोबारा से प्रॉब्लम आई नहीं। पर ऐसा क्यों हुआ मुझे नहीं पता, पर क्योंकि हुआ तो मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इसमें आप ज़्यादा सोचिएगा नहीं। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं कि भाई देखो मोटो में एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि जब भी आप यहाँ पे शटर स्पीड देखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्लो है। तो अगर आपको जल्दी जल्दी फोटोज़ कहीं पे कैप्चर करनी है तो शायद से वो आप मोटो के डिवाइस से उतना ज़्यादा फास्टर कर नहीं पाएंगे जितना कि आप वन प्लस से आप कर सकते हैं। और ना ही सिर्फ ये, यहाँ पे मैंने देखा है कि जैसे अगर आप स्टिल अगर खड़े हैं, फोटो अगर आप कैप्चर कर रहे हैं और हल्का सा आपने आंखें बंद करी ना, तो वो आंखों का मूवमेंट भी यहाँ पे मोटो कैप्चर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हेजी फोटो आती है उस पर्टिकुलर आंख की। लेकिन वहीं पे वन प्लस में ऐसा नहीं होता है, और वन प्लस की शटर स्पीड अच्छी होने की वजह से काफ़ी अच्छी फोटोज़ वहाँ पे क्रिस्पर निकल के आती है। ये भाई दो तीन बार मुझे यहाँ पे मोटो में देखने को मिला है, इसीलिए मैंने यहाँ पे नोटिस करके आप लोगों को बताया। और साथ ही में भाई मैंने देखा है कि आउटडोर में मैंने देखा है कि यहाँ पे मोटो जो है ना चेहरे को एकदम लाल टाइप का रखता है, और वन प्लस ना लाल रखता है ना ही ना पीला या रखता है, वो कुछ ऐसी टाइप की स्किन टोन रखता है। तो ये भाई डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको किस टाइप की स्किन टोन पसंद है। लेकिन आउटडोर में मैं डायरेक्ट सनलाइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर इंडोर में आप देखेंगे दोनों ही फ़ोन स्किन टोन को काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन करते हैं। अगर मैं यहाँ पे एच डिटेक्शन की बात करूँ तो दोनों ही काफ़ी ठीक ठाक एच के डिटेक्शन को भी करते हैं। साथ ही साथ में गाइस इसके अंदर ना आपको क्योंकि मल्टीपल पोर्ट्रेट शॉट के ऑप्शंस मिलते हैं, तो इसलिए ज़्यादा बेटर पोर्ट्रेट आपको क्लिक करते हुए नजर आएगी। लेकिन वन प्लस में एक ऑप्शन है ना कि आप थोड़ा सा क्लोजर जा करके फोटो कैप्चर करेंगे तो वैसे ही 2x वाले पोर्ट्रेट का मज़ा आप ले पाएंगे। लेकिन भाई इसमें ज़्यादा क्लोजर जाने की जरूरत नहीं है, दूर से ही आप 2x 3x में जा सकते हैं। बस इनका एक सबसे हाईएस्ट 85mm वाला है, उसके अंदर बिल्कुल भी यहाँ पे फोकस कभी मेंटेन होता ही नहीं है, हमेशा यहाँ पे ब्लर फोटोज आई हैं 85mm के पोर्ट्रेट शॉट में। अब ये क्यों है मुझे नहीं पता, पर ये चीज़ मुझे देखने को मिली है। और साथ ही में अगर मैं फ्रंट सेल्फी की बात करूँ तो फ्रंट सेल्फी में डिटेल थोड़ा सा बेटर यहाँ पे मोटो में देखने को मिलेगी, 50MP की सेल्फी है ना इसी की वजह से। और हालांकि यहाँ पे वन प्लस भी सेल्फी काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्लिक करता है। भाई मैंने यहाँ पे मल्टीपल सेल्फी फोटोज मैंने दोनों ही फोन से क्लिक करी हैं, जरा आप यहाँ पे ये देख करके आप खुद ही समझ जाएंगे कि भाई दोनों की सेल्फी फोटोज वाकई में अच्छी आती हैं। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आगे का कौन सा फ़ोन लिया जाए। तो भाई देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मोटो में देखने को मिलते हैं, वाकई में ज़्यादा प्रीमियम फीलिंग भी ये देता है। लेकिन बस मैं वही दिक्कत की बात है कि बैटरी लाइफ आपको इसमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, थोड़ा सा ज़्यादा ओवरहीट होता हुआ नज़र आएगा कंपैरेटिवली वन प्लस से। वन प्लस केवल फीलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मेटल का फ्रेम है केवल इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि वाकई में मैंने N22 बेंचमार्क से भी मैंने उसके अंदर इंटरनल CPU के भी टेम्परेचर देखे हैं, तो वो मोटो के ज़्यादा निकल के आए हैं कंपैरेटिवली वन प्लस से। तो इसी चीज़ का एक डाउट है, बाकी तो अदरवाइज देखेंगे तो दोनों ही फ़ोन काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। और अगर आपको इन हैंड फील और अगर आपको वैसे देखना जाए स्पेसिफिकेशन वगैरह में और बाकी सब चीज़ों में, तो भाई मोटो लेना चाहिए। बस वही चीज़ है, दिमाग में ना रखिएगा, अगर आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ चाहिए तो भाई आप मोटो वन प्लस के साथ में आप जाएं। कैमरा वगैरह दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का है, बस कैमरा में आपको ज़्यादा ऑप्शंस पोर्ट्रेट के देखने को मिलते हैं, तो इसकी वजह से ज़्यादा बेटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यही सारी चीज़ें थी, अब आपको समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार में आप इन दोनों में से कौन से फ़ोन के साथ में जाएं। समझ में आ गया तो वीडियो को करिएगा लाइक, नहीं समझ में आया तो भाई क्वेश्चंस अपने कमेंट जरूर से ज़रूर पूछिएगा, मैं डेफिनेटली उन सबको आंसर करने की कोशिश करूँगा।